नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का इंतज़ार मैं लगभग एक साल से कर रहा था और इसकी तैयारी मेरी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से ये वीडियो मैं नहीं ला पाया और अब फाइनली आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आपका आत्मविश्वास अपने समाज के लिए और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको पासी समाज की मजबूती का एक ऐसा जीता जागता सबूत दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आपका मन गौरवान्वित हो उठेगा और अपने समाज के लिए इस वीडियो को लाइक करने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, आज हमारा समाज पूरे देश में अपने मजबूती का डंका बजा रहा है। ऐसे ही एक जगह है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित, जहां पर पासी समाज अपने ताकत के बल पर सबसे ज़्यादा फेमस है और उन्हीं के सम्मान में पासी घाट बनाया गया है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी पासी हो और पासी समाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि पासी समाज की आने वाली कोई भी वीडियो आप देख पाओ सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पासी घाट के बारे में। दोस्तों, इसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, इसके बाद एक पासी घाट का एक और व्लॉग आने वाला है, जिसमें तानिया दीदी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगी, उस जगह के बारे में दिखाएंगी और आपको वहां की सारी जानकारी देंगी। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। तानिया दीदी की जो वीडियो है इसी हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पासी घाट के बारे में। दोस्तों, पासी घाट, जिसे अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इस राज्य का सबसे पुराना शहर है। पासी घाट को 1911 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो आज पूर्वी सियांग जिले के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। सियांग नदी के किनारे बसा पासी घाट समुद्री तल से लगभग 152 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ पर पासी घाट के अलावा पासी एयरपोर्ट, पासी रेस्टोरेंट और पासी समाज की बहुत सी ऐसी चीज़ उपस्थित है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या पासी समाज भी इतना फेमस था। दोस्तों, ये सबूत है कि पासी समाज इतिहास में कितना मजबूत था, कितना शक्तिशाली था, जिसने अपनी ताकत के बल पर पूरे देश में राज किया था और लोगों के दिलों पर भी राज किया था अपने कर्मों की वजह से। यही कारण है कि पासी समाज अपने कार्यों से और अपने दम पर पूरे देश में डंका बजा रहा है, पासी समाज का नाम रोशन कर रहा है। पासी घाट के सम्मान में पासी घाट सेतु भी बनाया गया है। अगर इसकी लंबाई नापी जाए तो लगभग ये 763 मीटर लंबा ये सेतु है। दोस्तों, पास के सम्मान में पासी घाट सेतु यानी ब्रिज बनवाया गया था, जो कि 763.50 मीटर लंबा है और इसका शिलान्यास सन 1988 ईस्वी में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। दोस्तों, जगह इतनी खूबसूरत है कि आपको यहां जाने का मन जरूर होगा। यहां चारों तरफ जंगल, इतनी अच्छी पहाड़ियां, एकदम साफ पानी की नदी, ये सब देखकर आपका मन मोह लेगी। दोस्तों, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि अगर आप एक बार जाओगे तो आप हर साल यहाँ पे जरूर जाएंगे। दोस्तों, अगर पासी घाट की जो बाजार लगती है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सूखी मछलियाँ और तरह तरह के व्यंजन यहाँ पे मिलते हैं। तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए बारिश के समय पे यहाँ पे चट्टाने खिसकने का डर रहता है। इसलिए अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं, ये कोशिश करिएगा कि आप बारिश के समय में मत जाइएगा। पासी समाज के सम्मान में बनाए गए तरह तरह के स्थल, एयरपोर्ट, घाट, इन सब के बारे में सभी पासी समाज के सभी लोगों को पता चल सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पासी समाज की एक नई वीडियो के साथ और इसका पार्ट टू के साथ, जो कि तानिया दीदी आपको दिखाने वाली हैं पूरे व्लॉग के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय पासी समाज।